राजधानी दिल्ली के कर्मपुरा में स्थित लेबर कोर्ट हॉल में शाओकान और मार्शल आर्ट्स क्लब्स की ओर से कराटे कलर बेल्ट परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य बच्चों का हौसला अफजाई करना, उनके हौसले को मजबूत करना और उनके अंदर से कॉन्फिडेंट को जगाना। इस अवसर पर लगभग 150 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिसमें 3 बच्चों ने ब्लैक बेल्ट के लिए परीक्षा में भाग लिया, जिनके नाम कुछ इस तरह के हैं। अंशिका सैनी जो कि 10 साल की हैं, आस्था 17 साल, मनीषा 19 साल और साथ ही अपने कराटे कौशल का प्रदर्शन किया। परीक्षा के आयोजक शिहान दिनेश शर्मा ने बताया कि मैं कई सालों से इस मुहिम को चला रहा हूं, जिससे मैं उन बच्चों का हौसला अफजाई कर सकूं जो इस खेल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और प्रत्येक रविवार हम मिलकर महिलाओं एवं लड़कियों के लिए फ्री क्लास आयोजित करते हैं, जहां से हम उनका हौसला अफजाई कर सके और कोई दुर्घटना होने पर वह अपने आप की आत्मरक्षा कर सके। मेरा नाम दिनेश शर्मा, मैं कराटे कोच हूँ। शिहान फिफ्थ डैन बोले तो ब्लैक बेल्ट के बाद फिफ्थ 5वीं डिग्री होती है, मैं ब्लैक बेल्ट फिफ्थ डैन हूँ। ये सेंटर मेरे पास 1983 से है, लेबर कोर्ट है ये, और मेरे को यहाँ से बड़ा अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। 1983 समझ लीजिए 36 ईयर्स हो गए हमारे को यहाँ करते हुए, हज़ारों बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं और अच्छे लेवल पर हैं सब। 5 बच्चे मेरे जो हैं यहाँ पर रेगुलर कोचिंग कर रहे हैं अदर ब्रांचेस के अंदर, ये सब ब्रांचेस के नाम लिखे हुए सर, जो स्कूल हमारे साथ एसोसिएट हैं, जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, ये डिफरेंट स्कूल में जा कर के कोचिंग करते हैं। ब्लैक बेल्ट फर्स्ट रैंक तक मेरे पास ये बच्चे अपना रैंक कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। इसी सेंटर में मेरे संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगती है गर्ल्स के लिए, जो मोदी जी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने उसमें एक और ऐड कर दिया है बेटी को सशक्त बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को सशक्त बनाओ, उस लेवल पर हम लोग संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ क्लास होती है। एक्चुअल में जो लोग हमारे टच में हैं उन्हीं के थ्रू हमारे पास मैसेज होता है, या उनकी एसोसिएट है या उनकी वेलफेयर एसोसिएशन है, वो हमें कॉल करते हैं तो हम लोग वहाँ जा कर के क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ एक्चुअल में एवरी 6 मंथ ग्रेडिंग होती है, जून और दिसंबर में कलर बेल्ट एग्ज़ाम होता है, एक तो वो प्रोसेस है, दूसरा ये टूर्नामेंट्स में जाते हैं, तीसरा हम लोग यहाँ पर योगा कंपटीशन भी कराते हैं, योगा मंडे और ट्यूसडे योगा भी होता है। तो जो इनका लेवल जैसे डेवलप होता है उसी लेवल पर ले जा करके हम इनको डे वाइज या इनके एग्जाम वाइज हम लोग इनको आगे बढ़ाते हैं। माई सेल्फ रीना गांगुली एंड ही इज़ रुद्र गांगुली एंड ही इज स्टडिंग इन बसावा इंटरनेशनल स्कूल एंड ही इज़ डूइंग कराटे फ्रॉम फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। इट्स 5 years, सिंस 5 years ही इज़ डूइंग कराटे एंड ही इज़ लर्निंग फ्रॉम श्रीहान दिनेश शर्मा। एक्चुअली ही हैज़ लर्न मोर डिसिप्लिन इन हिज लाइफ एंड ही हैज़ ऑल्सो गॉट फोकस ऑल्सो एंड ऑल्सो ही हैज़ डेवलप हिज कंसनट्रेशन इन स्टडीज़ ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक दैट के कराटे जा रहा है तो पढ़ाई में नहीं है, ही इज़ स्कोरिंग फर्स्ट रैंक इन द स्कूल ऑल्सो। ही इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़ एंड ऑल एंड आई रियली थैंकफुल टू दिनेश सर टू मेक हिम टू गिव हिम अ गुड ट्रैक। माई नेम इज़ विहान, आई स्टडी इन क्लास 4th। माई स्कूल नेम इज़ VVDAV पब्लिक स्कूल विकासपुरी न्यू दिल्ली। माई हॉबी इज कराटे, आई एम डूइंग कराटे फ्रॉम 4 years। I do karate for my self defense. मैं कराटे 5 साल से सीख रहा हूँ और मेरे को कराटे करना अच्छा लगता है। मैं अब इस नेक्स्ट टाइम ब्लैक बेल्ट का एग्जाम दूंगा अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए और जरूरत पड़ने पे किसी को मारने के लिए। माई सेल्फ कैलाश चंद सैनी, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी समरे नाम्स, और मेरी बेटी का नाम अंशिका सैनी है, उसको मैंने कराटे में डाला सर के पास। अराउंड 4 years हो गए हैं कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि फिजिकल तो चाहिए कराटे में, हर तरह का फिजिकल मूवमेंट होता है हर तरह से। तो बेसिकली मेरा मेन मोटो भी यही था कि बच्चे सेल्फ डिफेंस में अपना पूरी तरह से वो हो, तो आजकल टाइम भी ऐसा है। माय नेम इज़ मनीषा, आई स्टडी इन फर्स्ट ईयर, माय एज इज़ 19 ईयर ओल्ड। ब्लैक बेल्ट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उसके लिए परफेक्शन होनी चाहिए पूरी। सर हमारे साथ इतनी मेहनत करते हैं कि हम कुछ बन जाएँ और सब पे फोकस करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमारी फिटनेस के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। और नॉर्मली आजकल सेल्फ डिफेंस लड़के को आना चाहिए, तो सर साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। तृप्ति गुसाई, आई स्टडी इन क्लास 10th, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। माई स्कूल नेम इज़ MK बगरोडिया पब्लिक स्कूल एंड माई हॉबी इज़ कराटे।
अब आगे मतलब ब्लैक बेल्ट के भी अलग अलग लेवल होते हैं, तो अब लेवल के हिसाब से आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि अगर एक बार एक्सरसाइज टूट जाती है मतलब ब्रेक ले लिया उसके बाद फिर आप उतने मतलब उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती आपकी एक्सरसाइज में, इसलिए कंटिन्यू करूँगी मैं फिज़िकली फिट रहने के लिए और फिर सेल्फ डिफेंस भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। माय नेम इज़ आरपी सिंह एंड आई एम फादर ऑफ तृप्ति गुसाई एंड शी हैज़ बीन लाइक डूइंग ऑल दिस कराटे एंड ऑल बिकॉज इट इज़ हर यू नो एम्बिशन ऑल्सो टू बी रिमेन फिट एंड टू लर्न द सेल्फ डिफेंस एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द गर्ल्स इन टूडेज एनवायरमेंट दैट गर्ल्स हैज़ टू लर्न the self-defense part of it. So that's why, you know, I, since she was having an interest in it, so I just thought, yes, it's good that she should get a good guide, mentor and a philosopher and a person who is an expert in the field. So accordingly, I came across Mr. My name is Rudra Ganguly. I study in class 5th. My school's name is Basava International School. It is in sector 23, Dwarka, New Delhi. I love, my hobby is karate and I love Dinesh Sher because he teaches us well and he is very honest. Thank you. मेरा नाम आस्था है, मैं 16 years की हूँ, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 16 years की हूँ और मैं कराटे सीख रही हूँ, अब मैं ब्लैक फर्स्ट का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सर जिस तरह से हमें काता कराते हैं, डिफरेंट मेथड्स सर यूज़ करते हैं, उससे हमें फोकस करने में हमें हमारी काता में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और सर बेस्ट सर हैं अभी तक। माई नेम इज़ रुद्रा गांगुली, आई स्टडी इन क्लास 5th, माई स्कूल्स नेम इज़ बसावा इंटरनेशनल स्कूल, इट इज़ इन सेक्टर 23, द्वारका, न्यू दिल्ली। I love, my hobby is karate and I love Dinesh Sher because he teaches us well and he is very honest. My name is Manisha. I study in first year. My college name is Motilal Nehru College. My age is 19 years old. काफ़ी सारे tournaments हुए हैं, belt reading हुई है, fights हुई है।